एवरीवन, अनीशा फूड फ्लेवर्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कैलेमोंडिन ऑरेंज के बारे में, जिसे साइंटिफिकली हम बोलते हैं सिट्रस मिटिस। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल ये देखने में संतरे की तरह होता है, आकार में काफ़ी छोटा, और ये इसका टेस्ट जो है काफ़ी खट्टा होता है दोस्तों। तो ये देखिए, इसके काफ़ी बेनिफिट्स और यूजेस हैं, आइए मैं आपको बताऊँ। इसके अंदर दोस्तों काफ़ी विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा होती है। ऐसे तो विटामिन ए भी पाया जाता है, बट सी बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये काफ़ी हेल्प करता है कोलेजन फॉर्मेशन में हमारे बॉडी में। आपको कहीं चोट लग जाए, घाव हो जाए, उसे भरने में काफ़ी हेल्प करता है। कैल्शियम भी इसके अंदर होता है काफ़ी, पोटेशियम वगैरह, तो ये भी गुड है आपके दांतों के लिए, गम्स के लिए। और इसे हम अगेंस्ट कोल्ड और फ्लू के भी यूज़ करते हैं। कफ वगैरह गले से हटाने में हेल्प करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करता है, काफ़ी मजबूत बनाता है हमारे लीवर को, किडनी को, गॉल ब्लैडर को, बॉडी के डिटॉक्सिफाई कर देता है बॉडी को, इम्यूनिटी पावर को भी बूस्ट कर देता है, और कंट्रोल करता है डायबिटीज़, हाइपरटेंशन। एज अ हेयर कंडीशनर भी हम इसे यूज़ करते हैं दोस्तों, और स्किन के लिए भी ये काफ़ी अच्छा है। तो एज अ ब्यूटी टॉनिक भी इसे बहुत लोग यूज़ करते हैं। तो इसका जो एसिडिक नेचर है इस रस का, तो काफ़ी हेल्प करता है, दाग धब्बे भी आपके फेसेस से चली जाती हैं। एज अ डिओडाइज़र भी यूज़ होता है, बहुत लोग इसे नहाने में यूज़ करते हैं, इसे कट करके पानी में डाल देते हैं और उससे नहा भी लेते हैं, तो एज अ डिओडाइज़र भी काम करता है। और काफ़ी रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स वगैरह, फूड प्रिजर्वेटिव, सोप, टी, केक वगैरह बना सकते हैं। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, इसका काफ़ी फ़ायदे हैं, आप इसे ज़रूर घर पर लगाएं और यूज़ करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।